रिलायंस जियो फ्री वॉइस कॉल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जियो फ्री वॉइस कॉल की अवधि बढ़ाने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आपत्ति जताई है और इसके लिए ट्राई ने कंपनी को नोटिस भी भेजा है। ट्राई के अनुसार मुफ्त वॉइस कॉल और डेटा प्लान का विस्तार मौजूदा नियमों का उल्लंघन है। दरअसल इसकी वजह यह है कि प्रचार या प्रमोशन से जुड़ी पेशकश की अवधि 90 दिन की होती है। वहीं 3 दिसंबर को ही कंपनी की अवधि समाप्त होने वाली थी, मगर मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपनी 90 दिन की वेलकम योजना बंद होने से पहले ही मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर की पेशकश की है, जिसके बाद अब फ्री कॉल की अवधि मार्च 2017 तक कर दी गई है। कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि प्रमोशनल योजना के तहत फ्री डाटा की पेशकश को क्यों ना बाजार बिगाड़ने वाला माना जाए। हालांकि इस बारे में अभी तक रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं खबरों के अनुसार रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 18 दिसंबर तक 6,30,00,000 हो गई है और कंपनी जल्द ब्रॉडबैंड क्षेत्र में भी अपना खास ऑफर लेकर आ रही है। तो अब जियो पर ट्राई की टेढ़ी नजर है और ट्राई जियो के वेलकम ऑफर को लेकर जल्द ही कोई कदम उठा सकती है। देखते रहिए डीपी लाइव।